नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा का साहित्यिक सौंदर्य। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिनेमा और साहित्य के बारे में। मीडिया विमर्श, आलोचनात्मक शोध ग्रंथ। जी हाँ, आप देख सकते हैं, मैं आज आपको दिखाऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी। और इसके रचयिता हैं प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनेमा की और साहित्य की। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुई है, अयन प्रकाशन से आई है, मूल्य मात्र 500 रुपए और पृष्ठ 208। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर साहब के बारे में। अमल नेर महाराष्ट्र निवासी हैं, डीलिट की है लोक साहित्य संस्कृति कलाओं तथा हिंदी जगत के सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। भारतीय साहित्य भाषा व बौद्ध दर्शन के विशेष अध्येता हैं। 14 ग्रंथ 70 शोध लेखों के रचयिता हैं। ये ढेर सारी इन्होंने पुस्तकें रची हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्याख्यान दिए हैं, शोध लेख प्रस्तुत किए हैं, शोध निर्देशक रहे हैं उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव, प्राध्यापक स्नातकोत्तर हिंदी विभाग प्रताप महाविद्यालय अमलनेर, और बहुत सारी संस्थाओं से सम्मानित हुए हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति भवन शिमला के एसोसिएट रहे हैं ये। भारत विद्या रत्न राष्ट्रभाषा आचार्य और डॉक्टर ऑफ लेटर्स USA। जी हाँ, और इन्हें बहुत सारे, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। तो ये था इनका परिचय, ढेर सारा परिचय है, तो मैंने आपको संक्षेप में पढ़ के सुना दिया। और फ्लैग पर लिखा है राजकुमारी गौतम। तो श्रीमती राजकुमारी गौतम अध्यक्ष हैं यूरोप संभाग इंडो जापान इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेल्जियम। मैं थोड़ा सा राजकुमारी जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने क्या कहा है। देखिए, इन्होंने आशीर्वचन के रूप में इन्होंने कहा है कि भारतीय सिनेमा का साहित्यिक सौंदर्य अपने आप में बड़ा ही अनूठा रहा है, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों है। भारतीय चलचित्र केवल मनोरंजन पूर्ण ही नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राष्ट्र प्रधान, भाव प्रधान, शहरी एवं ग्रामीण जीवन, सभ्यता, प्राचीन और आधुनिक जीवन शैली आदि विविध रंगों को प्रस्तुत करता आया है। जी हाँ, समाज में जो कुछ घटित होता है, हमारा सिनेमा उसे प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करता है। और यही है, जैसे जमींदारी प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, लगान वसूली, जाति भेद, धर्मांधता आदि विषयों पर एक से बढ़कर एक चलचित्र जन समुदाय को दिए गए हैं। इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई और लेखकों ने भी अपनी लेखनी से विविध विधाओं में अभूतपूर्व साहित्य लिखा, और वही साहित्य आगे चलकर भारतीय सिनेमा का आधार बना है। ये इन्होंने कहा है राजकुमारी जी ने। और प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत जी ने अपनी भूमिका में कहा है कि देश के विविध राज्यों के लेखक, कलाकार एवं शोधार्थी इस पुस्तक में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय सिनेमा तथा उसके साहित्यिक सौंदर्य पर चिंतन एवं विश्लेषण संवेद वो अपने सटीक वक्तव्य शब्दबद्ध कर पाए। तो शशिकांत जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, ये आगे भी बहुत सारे लोगों को ये मदद करेगा जानने में साहित्य और सिनेमा का क्या संबंध है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें 20 आलेख हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस तरह के इसमें आलेख सम्मिलित हैं। भाव सौंदर्य में 4 चांद लगाते हिंदी सिनेमा के गीत श्री बापू शिवाजी पाटिल पचोरा महाराष्ट्र ने लिखा है। और एक लेख है जीवन गाते समझाते हिंदी सिनेमा के गीत, डॉक्टर सुनील केशव देवधर पुणे। फिल्मी गीतों का उम्दा विश्लेषण, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा पुणे। गुजराती फिल्मों के लोकप्रिय गीतों का परिचय, सारिकाबेन पाटिल राज पिपला गुजरात। हिंदी सिनेमा की पत्र पत्रिकाएं प्रतिभा जाधव अमलनेर। साहित्य सिनेमा डॉक्टर विमुख भाई यू पटेल वापी गुजरात। सिनेमा और हिंदी साहित्य डॉक्टर जयंती लाल बासी वापी गुजरात। मराठी सिनेमा और भक्ति गीत डॉक्टर दीपक विश्वास राव पाटिल शिंदखेड़ा महाराष्ट्र। हिंदी फिल्म तीसरी कसम और रेणु डॉक्टर सरोज एम बारीवा बोरा खाड़ी गुजरात। हिंदी फिल्म और कमलेश्वर डॉक्टर जम्बा एम चौधरी बोरा खाड़ी गुजरात। तीसरी कसम के फिल्मांतरण में फिल्म निर्देशक की सृजनशीलता डॉक्टर गोकुल गोरख क्षीर सागर शेवगांव महाराष्ट्र।
भारतीय सिनेमा इतिहास और साहित्य डॉक्टर दिलीप तुकाराम कदम अमल नेर, हिंदी सिनेमा में उर्दू शायरों का योगदान डॉक्टर प्रीति सोनी विद्यापीठ जलगांव, और भारतीय सिनेमा का सफरनामा सुधीर कुमार विश्वकर्मा प्रहातपुर बागपत उत्तर प्रदेश, हिंदी सिनेमा और प्रेमचंद डॉक्टर इब्रार खान गया बिहार, वासंतिक सौंदर्य और हिंदी लोकगीत डॉक्टर रविंद्र मकवाना आनंद गुजरात, शाश्वत जीवन के सत्यों को सौंदर्यमयी एवं कालजयी बनाते हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीत, ये लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावन पचौरा महाराष्ट्र, इन्होंने लिखा है शशिकांत जी ने। खान देश कन्या स्मिता पाटिल का भारतीय सिनेमा में योगदान डॉक्टर आशा कांबले छिंदखेड़ा महाराष्ट्र, शरद चंद्र के उपन्यासों से प्रेरित हिंदी सिनेमा डॉक्टर विशाखा बिस्सा जयपुर राजस्थान, और अंत में दिया भारतीय सिनेमा की चित्रमयी झांकियां। तो मित्रों ये थे आलेखों के शीर्षक, और आप सोचे कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, इस पुस्तक की रचना करने में। देखिए फिल्मी गीतकारों की बात करें तो पटकथा लेखन कहानीकारों की बात, जिनकी कहानियों के पृष्ठभूमि पर फिल्में बनी हैं इसमें लिखी हैं, मशहूर गीतों का संग्रह है। देखिए पुराने गीतों में शोर नहीं होता था, लय ताल होती थी, सुकून पहुंचाते थे, हमें आज भी उनके बोल याद हैं, वे सब गीत इसमें शामिल हैं, कुछ उनके मुखड़े हैं, कुछ पूरे गीत हैं इसमें पुराने गीत। सिनेमा तो सिर्फ मनोरंजन और मनोरंजन देता है, लेकिन शिक्षा बाद में देता है, इसके विपरीत साहित्य पहले शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसके बाद मनोरंजन। सिनेमा दर्शकों की मांग पर बनाया जाता है, साहित्य पाठकों की मांग पर, और ये भावुक भावना प्रधान होता है साहित्य। लेकिन दोस्तों इन दोनों के दर्शक अलग हैं, ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं साहित्य और सिनेमा, लेकिन इनमें प्रेम है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इस पुस्तक में नायिकाओं गीतकारों कहानीकारों के श्वेत श्याम चित्र हैं जो आकर्षक लगते हैं। सिनेमा ने साहित्य को बहुत कुछ नहीं दिया और साहित्य ने भी थोड़ा ही दिया, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी इसमें इन्होंने लिखा है कि क्यों साहित्य सिनेमा जो साहित्यकारों ने कहानियां लिखी वो बहुत कम ही मतलब प्रसिद्ध हो पाई एक सिनेमा या फिल्म बनने के बाद। प्रेमचंद जी ने कोशिश करी लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, इसके कुछ कारण हैं वो इसमें बता रखे हैं कि क्या कारण रहे कि जो साहित्य है फिल्मों में फ्लॉप हुआ। यथार्थ पर आजकल देखा होगा आपने, यथार्थ पर बहुत फिल्में बन रही हैं क्योंकि लोगों को पसंद आ रही हैं। हॉलीवुड में तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जाता है, हमारे यहाँ बॉलीवुड में प्रेम पर जोर दिया जाता है, सामाजिक बुराई हो परिवारवाद हो इन पर फिल्में बनती हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं, बहुत लोग देखते हैं, इनके दर्शक बहुत ज्यादा हैं। और इसमें यह बताया है कि जो गीतकारों ने राष्ट्रीय गीत लिखे, कर चले हम फिदा है वतन साथियों, भारत का रहने वाला हूं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, ये सारे गीत गीतकारों ने रचे हैं। तो साहित्य और सिनेमा की विषय वस्तु समाज और जीवन के साथ साथ बदलती है। अच्छा गुजराती फिल्मों में ढोल का प्रयोग ज्यादा हुआ तो उसको ढोलीवुड कहा गया, गुजराती फिल्मों के उसको, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड कलकत्ता की फिल्मों को कहा गया, और आजकल तो क्या कहते हैं बिहार की पृष्ठभूमि पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, पत्र पत्रिकाएं हुई हैं, फिल्मी दुनिया सुषमा फिल्मी कलियां, ये सब फिल्मी उसको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है। प्रेमचंद की कृतियां जैसे मैंने बताया फ्लॉप हुई, कमलेश्वर जी की कृतियों पर फिल्में बनी, आंधी और कुछ और फिल्में भी बनी, वो प्रसिद्ध हो गई, वो अपने दर्शकों में स्थान बनाने में कामयाब रही क्योंकि गुलजार साहब ने उसमें बहुत अच्छे गीत लिखे। ऐसे ही उपेंद्रनाथ अश्क भगवती शरण वर्मा चतुरसेन फणीश्वर नाथ रेणु इनकी कहानियों पर इनके उपन्यासों पर भी फिल्में बनी। भारतेंदु हरीशचंद्र का नाटक था हरीशचंद्र, उस पर शायद पहली फिल्म बनी थी। जी हाँ शरद चंद्र इन्हें कौन भुला सकता है, इनके उपन्यासों से प्रेरित हिंदी सिनेमा है। कुछ गलतियां मैं बताना चाहूंगी, प्रूफ की अशुद्धियां हुई हैं, पृष्ठ 105 पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, उसमें लिखा था जैसे फुल को फुल लिखा हुआ है उसको फूल बड़े ऊ की मात्रा डालनी थी, ऐसे ही सूफी लिखना था सूफी लिखा गया, एक जगह लिखना था इतने ऊंचे मकान वहां लिखा इतनी ऊंची मकान,
एक जगह मुगले आजम में मुगल ए आजम लिखा गया, तो ये थोड़ा प्रूफ की गलतियां मुझे नजर आई। तो दोस्तों इसमें हम गीतकार शैलेंद्र हैं, शकील बदायूनी हैं, उर्दू शायर इसमें शामिल रहे हैं, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आदमी, साहिर, लुधियानवी, इंदिवर, ये सब इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सिनेमा शुद्ध व्यावसायिक है, इंडस्ट्री है, जबकि साहित्य इंडस्ट्री नहीं है। साहित्य में संवेदना है, सेवा जुड़ी है इसके अंदर। हिंदी लोक गीत हैं फिल्मों में, जीवन मूल्यों को जो पिरोते हैं, जीवन मूल्यों को जो भी सुनता है उनको पिरोने के लिए लोकगीत बहुत अच्छे साबित हुए हैं। और मित्रों प्रोफेसर शशिकांत जी ने बहुत अच्छा इसमें लिखा है आलेख गीतों के बारे में। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी, इसमें ही लिखी है कि, और मैं भी उससे सहमत हूं कि फिल्मों में शोध अभी तक ज्यादा नहीं हुआ, समीक्षाएं भी शायद बायस्ड रहती हैं, तो समीक्षाएं होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए, और इन पर जो फिल्म में जो है इन पर शोध होना चाहिए, क्योंकि आज फिल्में प्रत्येक व्यक्ति के घर घर में प्रवेश कर गई हैं और फिल्मों का एक बहुत बड़ा स्थान है, योगदान है भारतीय समाज में। तो दोस्तों ये सब था, मैं अब थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपको थोड़े से अब लास्ट में दिखा देती हूँ, अंत में देखिए इनके, ये देखिए इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र संजोए हैं जो हमें याद दिलाते हैं। देखिए इनके योगदान को कभी भी भारतीय सिनेमा नहीं भुला पाएगा, और शायद समाज में परिवर्तन भी ये लोग लाए हैं अपनी अच्छी फिल्मों के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, देखिए। तो दोस्तों ये पुस्तक आप लोगों के लिए जानकारी, अच्छी जानकारी दे सकती है, जो लोग जानना चाहते हैं कि साहित्य और सिनेमा में क्या इनका क्या बंधन है, और आपस में इन लोगों ने समाज को बदलने में कितनी महती भूमिका निभाई है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे उम्मीद है आपको यह पुस्तक भी अच्छी लगी होगी और जो मैंने इसके बारे में बताया। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।